नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा पंचायती चुनाव के अंतिम चरण वोटिंग धीमी हो रही है। सुबह 10 बजे तक 4 जिलों में सिर्फ 10% वोटिंग हुई है। यह मतदान हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद और पलवल जिले में हो रहा है। हिसार में मतदान से पहले जिला परिषद के उम्मीदवारों में झगड़ा हो गया। वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार भगत सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आशीष गोदारा पर फायर करने व अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया। पुलिस ने भगत सिंह की शिकायत पर आशीष गोदारा और उसके साथी वजीर पर मामला दर्ज कर लिया है। भगत सिंह ने कहा कि आरोपी आशीष गोदारा के खिलाफ पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज है और वह नामी बदमाश है। इसके साथ भी हिस्ट्री शूटर थे। आरोपी मुझे मारकर क्षेत्र में दहशत पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। चार जिलों में कुल 22,09,949 मतदाताओं ने सुबह 10 बजे तक 2,83,096 मतदाताओं ने ही वोट डाला। 27 नवंबर को प्रदेश भर की जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों के परिणाम घोषित होगा। इन चारों जिलों में 615 सेंसिटिव और 781 हाइपर सेंसिटिव बूथ है। हिसार में 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील बूथ है। इस प्रकार पलवल में 211 व 295, फरीदाबाद में 84 व 84 और फतेहाबाद में जिले में 55 सेंसिटिव और 42 बूथ हाइपर सेंसिटिव है। नियमों के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।